आई थिंक दैट क्यूरोसिटी इज़ देयर इन एवरीबडी. ऐसा नहीं है कि वो क्यूरोसिटी सिर्फ मेरे में है, हर बच्चे में होती है वो क्यूरोसिटी. सब जानना चाहते हैं, सबके अंदर होता है कि मैं ये भी जानूँ, वो भी जानूँ, ये क्या है, वो क्या है. लेकिन टाइम के साथ साथ क्या होता है कि वी टेंड टू बिलीव जो हमने बुक्स में पढ़ा है, या फिर अब मैं फॉर एग्जाम्पल अब मैंने स्कूल पास आउट कर लिया है, अब मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, अब मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो गया हूँ, तो मुझे पता है. जैसे ज़्यादातर आपने लोगों के डायलॉग सुने होंगे जो थोड़ा एज में ज़्यादा होते हैं कि हमें मत बताओ, हमें सब पता है, हमने पूरी दुनिया देखी है एंड ऑल दैट, राइट. तो अब बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि वो सीखना बंद कर देते हैं. बट अगर हम ये समझ जाएं कि ये जो नॉलेज है, जिसको हम नॉलेज बोलते हैं, जो भी बुक्स में है, इंटरनेट पे है, यहाँ पे है, वहाँ पे है, जो भी नॉलेज है, वो नॉलेज अगर हमने अपने अंदर फीड कर भी दी तो उसको सीखना नहीं कहते हैं. ऐसे तो हम कंप्यूटर में भी फीड कर सकते हैं. अगर एक क्वेश्चन पूछना है और उसका जवाब देना ही अगर एक्चुअल नॉलेज है या एक्चुअल लर्निंग है, तो ऐसे तो फिर गूगल को सब पता है. तो इट्स नॉट अबाउट गिविंग द आंसर्स, इट्स अबाउट क्वेश्चनिंग द आंसर इटसेल्फ. दैट इज रियल लर्निंग. वो एक आर्ट हमारे अंदर होनी चाहिए. वो जब हमारे अंदर होती है तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी सिचुएशन की सिर्फ एक साइड को नहीं देखते हैं. ज्यादातर लोग एक साइड को पकड़ करके बैठे रहते हैं. एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आपको सब कुछ नजर आ रहा होता है. मतलब यू कैन सी मल्टीपल साइड्स ऑफ एनी पर्टिकुलर सिचुएशन, और फिर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है सब कुछ, क्योंकि अब आपके पास में कोई भी क्लियर कट आंसर्स नहीं होते हैं. एंड दैट इज रियल लर्निंग. कि मतलब आपको समझ आने लग जाए कि मेरी लिमिटेशन, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ नॉलेज. जितना आपको वो समझ आने लग गया है, आप समझ जाओ कि अब आप कुछ एक्चुअल में सीख रहे हो. इफ यू कैन सी द लिमिटेशन ऑफ नॉलेज, द लिमिटेशन ऑफ माइंड, दैट इज रियल लर्निंग.